अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल में बनेगा अत्याधुनिक पर्यटक सूचना केंद्र। 21 वर्ग मीटर की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से विभाग की है डिमांड। कसिया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर में अत्याधुनिक पर्यटक सूचना केंद्र बनेगा। इसकी प्रारंभिक औपचारिकता पर्यटन विभाग पूरा कर चुका है। बजट के लिए प्रस्ताव बनाकर लखनऊ मुख्यालय भेजा गया है। बजट मिलते ही पर्यटक सूचना केंद्र बनाने का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे एयरपोर्ट पर पर्यटकों को जानकारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कुशीनगर से जल्द उड़ान शुरू कराने के लिए जिला प्रशासन, राइट्स इंडिया, नीरज कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और कार्यदायी संस्थाएं दिन रात कार्य कर रही हैं। लेकिन उड़ान के लिए DGCA की तरफ से लाइसेंस बहुत जल्द मिलने वाली है। मौजूदा समय में एयरपोर्ट से उड़ान में होने वाली अड़चनें दूर किया जा रहा है ताकि हवाई सेवाओं का एयरपोर्ट से शुभारंभ हो सके। इन्हीं सुविधाओं से विदेशी पर्यटकों को महापरिनिर्माण स्थलीय कुशीनगर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी व सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए अत्याधुनिक पर्यटक सूचना केंद्र भी है। निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल बिल्डिंग में ही 21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में इसे बनाया जाएगा। यह केंद्र लैपटॉप, टच स्क्रीन समेत अन्य सुविधाओं से सुसज्जित होगा। कुशीनगर बुद्धिस्ट सर्किट में है, इसीलिए यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित व प्रमुख दर्शनीय स्थलों की सूचना समेत होटल व ठहरने आदि के भी बारे में जानकारी मुहैया कराई जाएगी। केंद्र पर पहुंचने वाले पर्यटकों के साथ भारतीय संस्कृति के अनुसार अतिथि देवो भव का अनुपालन कराकर कुशीनगर का नाम विश्व फलक में फैलाने का भी काम किया जाएगा। क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी गोरखपुर रविंद्र कुमार ने बताया कि अत्याधुनिक पर्यटक सूचना केंद्र स्थल का निरीक्षण हो चुका है। विभाग ने 21 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में स्थल की डिमांड की है। इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर बजट के लिए लखनऊ मुख्यालय भेजा जा चुका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसके बदले विभाग लगभग 19,000 रुपए किराया देगा।